नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास खबर में। हल्द्वानी में मलिक के बगीचे में अतिक्रमण पर जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से जेसीबी मशीन लगाकर अतिक्रमण को तोड़ा गया और एक एकड़ से अधिक जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। यही नहीं, नगर निगम ने इस कार्रवाई में अतिक्रमणकारियों के सामान भी जब्त किए हैं। दरअसल अवैध अतिक्रमण पर सरकार गंभीर नजर आ रही है। सरकार की ओर से प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसी के तहत जिला प्रशासन ने अभियान चला रखा है। इस दौरान नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और थाना बनभूलपुरा प्रभारी नीरज भाकुनी की ओर से संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की गई। अतिक्रमण मुक्त इस जमीन पर नगर निगम ने अपना कब्जा ले लिया है। जमीन के बगल में एक मदरसा और मस्जिद भी बना हुआ है, जिसके पेपर चेक किए जा रहे हैं। वही नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि मलिक का बगीचा, जहां पर स्थानीय लोगों की ओर से अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसे तोड़ा गया है और नगर निगम ने इस पर कब्जा ले लिया है, जिसको नगर निगम अपने कामकाज में लाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि शासन से सख्त निर्देश हैं, जो भी अतिक्रमण शहर में हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे में कार्रवाई की गई है। वहीं कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर एसओ बनभूलपुरा नीरज भाकुनी की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की गई। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने उनकी एक भी नहीं चल पाई। अभी के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।